हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टेट किया कि आरएच विटकर ने 1969 में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम्स में क्लासिफाई किया। ये फाइव किंगडम्स हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं फाइव किंगडम्स को वन बाई वन डिटेल में स्टेट करेंगे। आज का टॉपिक है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसका फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनेरा। देखिए, मोनेरा वर्ड मोनो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिंगल। मीन्स इस किंगडम में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है। अब हम इस किंगडम के मेंबर के करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। द ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर, तो मोनेरा के सभी मेंबर्स यूनिसेलुलर होते हैं। दे लैक ए डेफिनेट न्यूक्लियस, तो इनमें वेल ऑब्जर्व्ड या डेफिनेट न्यूक्लियस का अभाव होता है। डीएनए नोड एनक्लोज्ड बाय ए न्यूक्लियर एनवलप, डीएनए जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप द्वारा घिरा हुआ नहीं रहता है, बट पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ भी नहीं रहता है, क्योंकि इनमें एक स्पेशल नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है जो डीएनए को एक जगह कंसिस्ट कर लेती है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसका भी रीजन है क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्जेबल होता है और नॉन स्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्जेबल होती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन के कारण है इनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में एक जगह कंसिस्ट हो जाता है। आगे देखिए, द लैक सेलुलर ऑर्गेनेल और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, तो इनमें सेलुलर या मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेलवाल में भी प्रेजेंट और एबसेंट, तो इसके कुछ मेंबर्स हैं जिनमें सेलवाल प्रेजेंट भी होती है जैसे बैक्टीरिया है, तो कुछ में एबसेंट भी होती है जैसे माइक्रोप्लाज्मा है। तो सेलवाल में भी प्रेजेंट और एबसेंट, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया पसेज ए सेलवाल बाय माइक्रोप्लाज्मा लैक इट। द सेलवाल ऑफ बैक्टीरिया इज फॉर्म्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन और ल्यूकोपेप्टाइड, तो बैक्टीरिया की जो सेलवाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन या ल्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। आगे देखिए, इसमें मोनेरियन सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, मींस मोनेरियंस को हम लेफ्ट आई के थ्रू नहीं देख सकते हैं, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो इनकी जो लेंथ होती है वो फ्यू माइक्रोन होती है। माइक्रोन का मतलब आप जानते हैं, वन माइक्रोन बराबर होता है 10^-6 मीटर। द प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्बेटिक, तो इनमें जो मोस्टली मेंबर्स हैं इसके वो एब्जॉर्प्शन द्वारा अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, बट सम ग्रुप्स आर फोटोसिंथेटिक, कुछ के अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, एंड कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं जो केमिकल्स के थ्रू अपना फूड सिंथेसिस कर लेते हैं। मीन्स मोनेरा के जो मेंबर्स हैं उनमें से कुछ ऑटोट्रोपिक होते हैं तो कुछ हेटरोट्रोपिक होते हैं। रिप्रोडक्शन इज प्राइमरली एसेक्सुअल बाय फ्यूजन एंड बडिंग, तो ज़्यादातर मेंबर्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है और ये दो मेथड द्वारा होता है, फ्यूजन एंड बडिंग। फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म है, मानिए ये ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या करती है धीरे धीरे दो ऑर्गेनिज्म के अंदर या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवाइड हो जाती है। और बडिंग में क्या होता है कि जैसे मान लिया कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसके ऊपर एक नई बड आती है, एक नई जो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे ग्रो करने लग जाती है और धीरे धीरे इसी की बॉडी पर बढ़ती है और फाइनली जब मैच्योर हो जाएगी तो यहाँ से फट करके अपना एक इंडिपेंडेंटली बिहेव करती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन और बडिंग मेथड द्वारा होता है। प्रोटोसेक्सुअल फिनोमेना आल्सो अकर्स, कुछ के अंदर प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है। द ऑर्गेनिज्म आर नॉन मोटाइल, देखिए कुछ मेंबर्स हैं इसके वो एक जगह से नॉन मोटाइल का मतलब होता है चल और नॉन मोटाइल का मतलब होता है एचल, तो एचल होते हैं मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। तो द ऑर्गेनिज्म आर नॉन मोटाइल और मूव बाय बीटिंग ऑफ सिंपल फ्लैजिला, तो कुछ मेंबर्स हैं जिनमें फ्लैजिला जैसे बैक्टीरिया है उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो वो उसकी सहायता से मूव कर सकता है और ग्लाइडिंग कर सकता है, मतलब खिसक सकता है। इसके एग्जांपल्स देखें हम, बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया
या ब्लूग्रीन एल्गी कुछ भी बोल सकते हैं। इसके एग्जांपल भी है नोस्टो एंड एनाबिना, और एक एग्जांपल इसका माइकोप्लाज्मा है। अब इसके बारे में देखिए, एक साइंटिस्ट और आया जिसका नाम था कार्ल हूस। कार्ल हूस ने क्या किया, जो मोनेरा किंगडम है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। डिवाइडेड किंगडम मोनेरा इंटू आर्की बैक्टीरिया, या इसका नाम रखा इसने आर्किया, एंड यू बैक्टीरिया, इसका नाम रखा बैक्टीरिया। तो प्रिमिटिव और एडवांस बैक्टीरिया को उसने दो तरह से कैटेगराइज कर दिया, आर्किया एंड बैक्टीरिया। अब यहाँ पर हम इसके डायग्राम देख सकते हैं जो कि किंगडम मोनेरा के मेंबर्स हैं। ये डायग्राम है, आपको दिख रहा है ये बैक्टीरिया का डायग्राम है। सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट है जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इसके अंदर फ्लैजिला भी है जिसकी हेल्प से ग्लीडिंग कर सकता है, मूव कर सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्मा है इसमें। यहाँ पर देखिए इसके अंदर बीच में ये जो मैंने लाइन बनाई है ये इसका न्यूक्लियोइड है, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है, बट यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल है वो एक जगह इकट्ठा पड़ा है जिसे हम न्यूक्लियोल कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसमें कुछ ब्लूग्रीन एल्गीज हैं, नोस्टोक एनाबिना, तो इनमें मिसिलीज और ये एकेनिड्स इनके स्पोर्स बनते हैं जिनके थ्रू इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और हेटरोसिस्ट इसका वो पार्ट होता है जहाँ से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसके आगे देखिए नेक्स्ट किंगडम आता है हमारे पास में, किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है। प्रोटिस्टा का मतलब प्राइमरी होता है, तो ये प्राइमरी टाइप की ऑर्गेनिज्म मानी जाती है। अब इनके करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। प्रोटिस्ट इंक्लूड सॉलिटरी, ये एकल हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और कॉलोनियल यूनिसेलुलर, मतलब अकेले भी रह सकते हैं कुछ मेंबर, और कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो कॉलोनियल होते हैं, मतलब और बड़ा ग्रुप बना करके रहते हैं। यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट फॉर्म टिश्यू, जिनमें टिश्यू नहीं बनते हैं, तो यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए इनमें टिश्यू नहीं बनते हैं क्योंकि टिश्यू तो ग्रुप ऑफ सेल होता है। द ऑर्गेनिज्म बसेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। लोकोमोशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ अपेंडिजेज सच एज हेयर लाइक सीलिया, तो कुछ मेंबर्स के अंदर जैसे पैरामीशियम है तो इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से लोकोमोशन कर सकते हैं। लोकोमोशन का मतलब गमन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। वीहिप्लाइड फ्लैजिला, फ्लैजिला यूग्लिना में प्रेजेंट होता है। सुडोपोडिया अमीबा में प्रेजेंट होता है। सुडोपोडिया के थ्रू अमीबा लोकोमोशन के साथ साथ अपना न्यूट्रिशन भी ले लेता है। देन न्यूट्रिटिव मोड ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इंक्लूड फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉपिक एब्जॉर्प्शन, इंजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। तो देखिए फोटोसिंथेटिक मींस ऑटोट्रॉपिक भी है और एब्जॉर्प्शन है, इंजेशन है, कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए ये अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड हो गए। तो इसका मतलब है कि प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स से फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, मींस ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, तो कुछ हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। देयर रिप्रोडक्टिव साइकिल टिपिकली इंक्लूड बोथ एसेक्सुअल डिवीजन ऑफ हैप्लॉइड फॉर्म्स एंड ट्रू सेक्सुअल प्रोसेस विद कैरियोगामी एंड मियोसिस। तो देखिए इसमें जो कैरियोगामी होती है इसमें दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, मींस दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो कैरियोगामी को समझने के लिए हमें यहाँ पर प्लाज्मोगेमी समझना जरूरी है। प्लाज्मोगेमी क्या होती है, देखिए द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसमें क्या होता है कि मान लिया दो ऑर्गेनिज्म है, एक यह है और एक यह है, ये इनका न्यूक्लियस है। अब पहले भी क्या करते हैं, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, मीन्स इसका प्रोटोप्लाज्म और इसका प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो जाते हैं और ये इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, मतलब एक सेल में दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन क्या हो गया, प्लाज्मोगेमी। अब इसके बाद में क्या होगा, देखिए दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर के एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है, मींस हैप्लोइड प्लस हैप्लोइड डिप्लोइड स्ट्रक्चर बन जाती है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे जायगोट, जो कि न्यूक्लियस है इनका, क्योंकि एन प्लस एन दो के क्रोमोसोम इसके अंदर
जुड़ जाता है, पैरिक हो जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये जाइगोट कहलाएगी। अब इसके बाद में देखिए एग्जांपल है इसके यूनिसेलुलर एल्गी, डायटम्स, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिनम, प्लाज्मोडियम। तो ये कुछ मेंबर्स हैं इसके, हम इनमें से कुछ के यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं जो कि प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं। यूग्लिनम इसके अंदर देखिए फ्लैजिला है जिसकी हेल्प से ये लोकोमोशन कर सकता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस होते हैं, ये सॉरी यूग्लिनम में एक न्यूक्लियस होता है, पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं। पैरामीशियम है इसके ऊपर यहाँ पर देखिए हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम सीलिया कहते हैं, जिसकी हेल्प से लोकोमोशन करता है। इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं जिनमें से एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। अमीबा के अंदर शुरू कोडिया बनते हैं जिनकी हेल्प से ये अपना फूड लेता है और लोकोमोशन कर लेता है। आगे देखिए नेक्स्ट किंगडम फंजाई। देखिए फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो न्यूट्रिशन की दृष्टि से ये हेटरोट्रोपिक होते हैं, पैरासाइट या फिर सेप्रोफाइट नेचर के होते हैं। फंजाई आर सिंपल यूकेरियोटिक एंड नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म हूज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज और काइटिन। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो फंगल सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इनके करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं हम। द बॉडी इज ए नोड डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। सो फंजाई और थैलोइड। देखिए जब किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर डिवाइडेड भी होता है इतनी पार्ट्स में तो उसको हम थैलस मानते हैं, तो इसलिए इसके स्ट्रक्चर को हम थैलोइड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो फंजाई में भी रूट, स्टेम और लीव जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। दे मे बी यूनिसेलुलर, तो एक ही मेंबर है इसका ओनली यीस्ट, और बाकी सारे मेंबर्स कैसे होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं। द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। तो इसके अंदर फिलामेंट बनते हैं और मींस इनकी जो बॉडी है वो फिलामेंटस से मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर से बनती है जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। और माइसीलियम जो कंपोज होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर द्वारा कंपोज होते हैं जिन्हें हम हाइफी कहते हैं। तो हाइफी मिलकर के माइसीलियम बनाते हैं और माइसीलियम में जो फंगस है उसकी बॉडी को फॉर्म करते हैं, उसके फिलामेंट को फॉर्म करते हैं। अगे देखिए फंजाई लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है तो इसलिए अपना फूड नहीं बना सकती है। By the process of photosynthesis, they are therefore heterotrophic and obtain their food either from dead organic matter. देखिए जब कोई स्पीसीज या जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी डेड प्लांट या एनिमल के पार्ट से फूड ऑब्टेन करती है तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट, क्योंकि इस प्रोसेस को बोलते हैं सेप्रोफाइट। और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहकर अपना जीवन कंप्लीट करती है, लाइफ साइकिल को पूरा करती है, उसे न्यूट्रिशन लेती है तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं पैरासाइटिक। और इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं, इस तरह का जो नेचर होता है उसको बोलते हैं पैरासाइटिक। तो फंगस सेप्रोफाइटिक नेचर की होती है या फिर पैरासाइटिक नेचर की होती है। देन रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन। तो फूड जैसे मान लिया इन्होंने यूज कर लिया, यूज के बाद में कुछ फूड रहता है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट। तो दोनों ही टाइप से इस पर रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। तो ये एल्गी के साथ में देखिए जो फंजाई होती है उनका भी उनमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है, इनमें अलग अलग तरीके के स्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो इसमें गैमेट भी बनते हैं और गैमेट्स का फ्यूजन होता है जिससे जायगोट बनती है और उससे नई जनरेशन डेवलप होती है। तो जो फंजाई होती है इसमें दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं।
इसके एग्जांपल्स देखिए, यीस्ट जो कि यूनिसेलुलर होती है, मशरूम, एस्परजिलस, म्यूकर, राइजोपस जिसे ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं, पेनिसिलियम, एगेरिकस। पेनिसिलियम एक ऐसा फंगस है जिसे सबसे पहले एंटीबायोटिक सिंथेसिस किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, पेनिसिलिन। ये देखिए कुछ मेंबर्स हैं डायग्राम, बेटा सारे डायग्राम आपको नोटबुक में ड्रॉ करने हैं। म्यूकर है जिसमें माइसिलियम होते हैं और स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं जो कि स्पोरेंजिया बनाते हैं। यीस्ट सेल है, ये यूनिसेलुलर होती है, इसमें कोनियोडियोफोरस तो कोनोडिया बनते हैं इसके अंदर क्योंकि स्पोर होते हैं इसके, ऐसे एग्रीगस हैं। आगे देखिए कुछ फंगस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला है यीस्ट। देखिए यीस्ट एक ऐसा फंगस है जिसमें एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होता है, और जब इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें ग्लूकोज टूट करके एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल बोल सकते हैं हम। और जो एल्कोहलिक बीवरेज होते हैं उनका मेन कंपोनेंट होता है एथिल एल्कोहल, तो इसलिए शराब निर्माण में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। यीस्ट इज ए ग्रुप ऑफ एक्सेप्शनल फंजाई आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल एल्कोहलिक बीवरेज बाय फर्मेंटेशन। द पेनिसिलिन, अब पेनिसिलिन देखिए, पेनिसिलिन प्रोड्यूस फेमस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलियम रोटेटम नामक एक फंगस थी जिससे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को सिंथेसिस किया था। आगे आता है इसमें देखिए लाइकेन, तो लाइकेन क्या होता है, तो लाइकेन एक साइनोबैक्टीरिया ब्लूटिन एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों को प्रॉफिट होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनमें इंटर रिलेशनशिप बनती है जिसमें दोनों को प्रॉफिट होता है। सम फंगल स्पीसीज लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ब्लूग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, शॉपिंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सहजीवी संबंध होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहती है। सच सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड लाइकेन्स। इन लाइकेन द एल्कल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबियंट। देखिए एल्गी का जो कंपोनेंट है वो कहलाता है इसमें फाइकोबियंट, व्हाइल द फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबियंट। तो दोनों है, तो फंगल का माइकोबियंट और एल्गी का फाइकोबियंट। द एल्गल पार्टनर, देखिए एक दूसरे के किस तरह से हेल्प करते हैं। द एल्गल पार्ट में से जो फाइकोबियंट है सिंथेसाइज फूड मटेरियल व्हाइल द फंगल पार्टनर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल मैटर एंड पासेस इट टू एल्गी। देखिए जो ब्लूग्रीन एल्गी होती है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस करके फूड फॉर्म कर लेती है और फंगस को प्रोवाइड करवा देती है। बदले में फंगस से एब्जॉर्प्शन, जो फंगस होते हैं उनमें एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है, तो वो जो मिनरल्स हैं वाटर है उसको एब्जॉर्ब करके ब्लूग्रीन एल्गी को प्रोवाइड करवा देते हैं, तो दोनों में दोनों को प्रॉफिट हो जाता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखें, सच एन एसोसिएशन व्हेन टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बेनिफिट ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जब दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहती है और उसमें दोनों को प्रॉफिट होता है तो इस तरह के रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें देखिए ये कुछ लाइकेंस के एग्जाम्पल्स हैं, डायग्राम कोई भी दो डायग्राम यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये ग्राफिस है जिसको लाइचिन थैलस देखिए यहाँ पर, इसके अलावा अर्बेलिया है और क्लेडोनिया है। अब इसके बाद में आता है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी इंक्लूड प्लांट विद फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। वैसे हम प्लांटी को आगे ब्रीफली स्टडी करेंगे क्योंकि इसको भी फाइव आगे डिविजन्स में डिवाइड किया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो कुछ जनरल करेक्टर्स हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं इसके। दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए रिजिड सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेल वॉल, क्योंकि
जो प्लांटी के मेंबर्स होते हैं इनकी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये सारे के सारे ऑटोट्रोपिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन प्लास्टिड्स, क्लोरोफिल पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। दे आर ऑटोट्रोपिक इन नेचर, दे प्रिपेयर देयर ओवर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। देन रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च। देखिए अभी भी हमने फंजाई के अंदर देखा कि जो फूड है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, बट प्लांट्स के अंदर स्टार्च या फिर फैट के रूप में ये स्टोर होता है। हमारे अंदर जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अभी देखिए द प्लांट्स आर मोस्टली नॉन मोटाइल, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, नॉन मोटाइल होते हैं। बीइंग एंकोर्ड टू द सबस्ट्रेटम ए फ्यू फॉर्म्स आर फ्री फ्लोटिंग, तो इनके जो मेंबर्स हैं ज़्यादातर मेंबर्स हैं वो इनके सबस्ट्रेटम एक आधार से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे मान लिया सॉइल के अंदर जो ट्रीज हैं वो खड़े रहते हैं, तो इस तरह से कुछ मेंबर्स हैं जैसे कुछ एल्गीज होती है वो फ्री फ्लोटिंग होती है, वो पानी के अंदर मूव कर सकती है। रिप्रोडक्शन प्राइमरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें गैमेट्स बनते हैं जो स्पोर्स बनते हैं माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर जिनसे गैमेट डेवलप होते हैं। और इसके कुछ मेंबर्स हैं जैसे ट्रीज है, तो उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू होता है। हैप्लॉइड जनरेशन इज प्रीग्रेसिवली रिड्यूस्ड इन हायर मेंबर ऑफ किंगडम, तो इनमें जो हैप्लॉइड जनरेशन होती है वो नहीं होती है। जैसे थैलोफाइटा है, प्लाइफाइटा है, तो इनमें हैप्लॉइड जनरेशन प्रभावी होती है, बट जो हायर से जनरेशन है उनमें जो मैन पीढ़ी होती है वो डिप्लॉयड होती है। उनके कुछ एग्जांपल्स देखें तो देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गीज होती है, मोसेस होती है, फर्न्स होती है, सब होती है, ट्रीज होते हैं, तो ये सारे मेंबर्स किंगडम प्लांटी के अंतर्गत स्टडी किए जाते हैं। ये कुछ मेंबर्स हैं जो कि किंगडम प्लांटी के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंगो ट्रीज हैं, फ्रूट्स फॉर्म हो रहे हैं, सीड बनते हैं इनमें, टोमेटो है ये भी फ्रूट है, इसके अंदर भी सीड बनते हैं। ये यहाँ पर कुछ एल्गीज दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, जैसे वॉलबॉक्स है, राइट वॉलबॉक्स है, इसके अलावा यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास है, स्पायरोगाइरा है। नेक्स्ट इसमें लास्ट जो किंगडम आता है किंगडम एनिमेलिया, इट इंक्लूड मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स व्हिच लैक ए सेल वॉल, तो इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है जो कि मल्टी सेलुलर है, यूकेरियोटिक है, और उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ये सारे के सारे मेंबर्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं, तो उनके करेक्टर्स देखते हैं। They are multicellular eukaryotes. They are devoid of plastid and photosynthetic pigment. So they are heterotrophic. तो इनके अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जब प्लास्टिक प्लास्टिड एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट क्लोरोफिल है वो भी एब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन इज प्राइमरली इंजेस्टिव विथ डाइजेशन इन एन इंटरनल कैविटी, तो ये इंजेशन करते हैं यानी कि भोजन को ये इंटेक करते हैं, निगलते हैं, और अंदर इनमें डाइजेशन होता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसका यूटिलाइजेशन होता है, जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो कुछ मेंबर्स के अंदर इंजेस्टिव डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, बट सम फॉर्म्स आर एब्जॉर्प्टिव, तो कुछ मेंबर्स हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं फूड को। एंड मेंबर ऑफ ग्रुप लैक ए इंटरनल डाइजेस्टिव कैविटी, तो कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें डाइजेशन कैविटी एब्सेंट होती है। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री मूविंग एक्सेप्ट स्पंज एंड सम सिलेंटेड्स, तो कुछ सिलेंटेडा होते हैं जो सबस्ट्रेट से चिपके हुए रहते हैं, कुछ स्पंज होते हैं, बाकी जो सभी मेंबर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, भोजन की और आवास की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।
दे हैव लिमिटेड ग्रोथ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो प्लांटी किंगडम है वहाँ पर हमने इसको स्टेट नहीं किया, तो प्लांट्स में लाइफ टाइम ग्रोथ होती है, बट एनिमल है वो एक फिक्स एज तक ही ग्रो करते हैं, इसके बाद में उनमें ग्रोथ रुक जाती है। देयर ग्रोथ स्टॉप आफ्टर मैच्योरिटी, तो जब मैच्योरिटी हो जाती है तो उसके बाद में उनमें ग्रोथ नहीं हो सकती होती है। दे हैव डेवलप्ड द सेल्स विद एन एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मसल्स है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, तो ये कॉन्ट्रेक्शन की एबिलिटी होती है। और ट्रांसमिट इम्पल्स, तो ये जैसे जैसे अपन हायर एनिमल की तरफ बढ़ती जाएंगी तो वैसे वैसे ये नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, ये डेवलप होते जाते हैं। रिप्रोडक्शन इन ए मैनली सेक्सुअल, इसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हैप्लॉइड स्टेज अदर देन गैमेट्स ऑलमोस्ट लैगिंग अबाउट लोवेस्ट फाइलम, तो देखिए जो इसके लोअर फाइलम्स हैं हम इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे, अलग अलग फाइलम्स होते हैं ओरिफेरा, सिलेंटेटा, पेटियल, मेंटीज, तो जैसे जैसे हम उनको आगे के फाइलम्स में स्टडी करते जाएंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे कि केवल गैमेट है वो हैप्लॉइड स्टेज पर होता है, बाकी जो प्रभावी जो जनरेशन होती है वो डिप्लॉयड होती है। उसके कुछ मेंबर्स यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए जैसे मान लिया काउ है, टाइगर है, ह्यूमन है, फ्रॉग, स्नेक, ठीक है, तो ये सारे मेंबर्स किंगडम एनिमलिया के मेंबर्स हैं। आप डायग्राम भी देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ह्यूमन बीइंग है, टाइगर है, स्नेक है, स्पैरो है। तो आज के इस वीडियो में हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ब्रीफली स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स।